सो गाइस मैं आज आपके आगे आया हूँ। आज बैठा था मैं एक पार्क में आके, मैं सोच रहा था क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, इलाहाबाद पढ़ने आया हूँ और मैं वीडियो के पीछे भाग रहा हूँ, यूट्यूब के पीछे भाग रहा हूँ। सोच रहा था ये सब कि मैं सक्सेस होऊंगा या ना होऊंगा, क्या होगा। इतने दिन से वीडियो बनाया हूँ, नहीं एक वीडियो वायरल नहीं होती अपनी। ये सब आज मन में यही सब आ रहे थे ख्याल, थोड़ा सैड सा महसूस हो रहा था कि मेरे पापा उधर से पैसे भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस मैं बचपन से ही, जब से सोशल मीडिया आया तब से मैं कहाँ वीडियो नहीं बनाया, लाइक बनाया लाइक के ऊपर उतना कुछ खास मतलब नहीं जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत वायरल होता था, सॉन्ग पे मैं बनाता रहता था। और उसके बाद बैन हो गया, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया। उसके बाद यूट्यूब पे बनाता था लेकिन उतना खास नहीं बना पाता था। पर ऐसे ही धीरे धीरे बहुत दिन तक बनाया, नहीं हुआ सक्सेस, फिर छोड़ दिया। गेम वगैरह इतना खेला, सब छोड़ दिया यार। आज जब मैं ठान लिया हूँ कि नहीं पीछे हटूंगा यार, लेकिन फिर आज मैं सोच रहा था क्या करूँ, ठीक करूँ कि बेकार करूँ। मैंने पढ़ा है और मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। आपने मुझे बोला बिना पढ़ ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सोचा नहीं, मैंने पापा को बोल दिया, पापा दो साल मैं ऐसा कुछ करूँ, दो साल में दुनिया ही बदल जाता अपना। लेकिन खामोश हो जाते हैं, खामोश हो जाता हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगा, ये सब सोच के थोड़ा सैड हो जाता हूँ। अदरवे मुझे पता है बहुत सारे मैं कर लूँगा। मेरे अंदर गाइस वो शौक नहीं है, मतलब जो फैशन करते हों और ये अच्छे अच्छे जूते पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मतलब शौक नहीं है यार, मैं शौक नहीं पा रही। मैं तो कोटे फोटे चप्पल पहन लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चप्पल मैंने सिलवा के पहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शौक नहीं है। मैंने अपने ये अपनी ज़िंदगी है, बस सोचता हूँ कि हमारे भी फॉलोवर हो जाए, हमारे भी फैंस हो जाए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब सोच के वीडियो बनाता हूँ। क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर, क्यों नहीं होगा। भरोसा नहीं तोड़ूंगा इसी पर, नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी बोले भाई छोड़ के नहीं छोड़, क्योंकि मेरे पास एक ही चारा बस यूट्यूब सक्सेस हो गया ना। मैं मुझे पता है यूट्यूब पे ही हो सकता हूँ, बाकी मैं कहीं नहीं हो सकता। देखिए यही बात है यार, तो ठीक है मैंने तो बता दिया हमारी जिंदगी कैसे काम किया है, बिल्कुल सोच वो जिसको खुदा बनते हैं, उससे मुझे भी बहुत ही कहा जाता है। वो जो बचने होते हैं उन सब्जी बना देता है, बहुत बहुत मुश्किल से काम आने की कामयाबी हासिल की। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी वहाँ पहुँचूँ जहाँ मेरे पापा चाहते हैं पहुँचाना। बहुत मेहनत किया यार, ऐसा मुझे बता रहा हूँ, मेरे पापा जितना मेहनत करने वाले इतना मतलब देख के हो जाएंगे कि आज वो इंसान नहीं पहचानते। आज पिता ने यहाँ तक पहुँचाया जमीन के लिए, बहुत मेहनत की पापा ने, आज ठेकेदार लोगों को रोज़गार दिया, काम करते हैं उनके पास लोग। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर बनूँ, काफ़ी बड़ा, मैं भी साथ हूँ लोगों का, हम अपने पापा को दिखा सकूँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बस यही पापा की कहानी तो बताऊंगा आपको, लोग एक लोग और बनाऊंगा, मेरे पापा के बारे में बताऊंगा, मेरे पापा ने कहाँ से कैसे क्या किया,
मतलब बताते थे मुझे पापा, जब आँखों में आंसू आ जाता आप सोचता हूँ, पहले इग्नोर कर देता उस बात को मैं, क्योंकि आप उसी बात को मैं सोचता हूँ मेरे पापा ने कितनी मेहनत की है बैठ के, वही सब सोचता हूँ भाई। ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम जॉब बनाएंगे, आप लोग देखिए। ठीक है, बाय बाय, सी यू।